गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट बट एक्ने। एंड नाउ यू विल बी लाइक, व्हाट डिड यू से, बट एक्ने रियली? यस यस यस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बट एक्ने की जितने भी इश्यूज़ है, कैसे आप उसे क्योर कर सकते हो, क्या क्या आपको चीज़ें करनी है उसे प्रिवेंट करने के लिए। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ बट एक्ने। दिस इज़ नथिंग, जस्ट लाइक योर रेगुलर एक्ने जो आपकी फेस पर होती है, बिल्कुल वैसे ही है। बट ये होता है कि आपके बट पे, मतलब कि आपके बम पर, पिछवाड़े पर। तो आपकी बट में जितने भी हेयर फॉलिकल्स है उनमें जब इन्फ्लेमेशन होता है, आपकी पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो वो एक एक्ने की रूप लेती है। दैट इज़ द बट एक्ने। कॉजेज ऑफ बट एक्ने, कॉजेज है अगर आप बहुत ज़्यादा जिम करते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो एंड आपको स्वेट आती है, आप स्वेट करते हो बहुत ज़्यादा, आपकी इस प्रॉब्लम है, या फिर आप ऐसे कुछ काम करते हो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उस वही है एक कारण। स्वेटिंग क्या होता है, अगर आप उसके बाद शावर नहीं लेते हो तो वो जो गंदगी है, स्वेट है, वो आपके शरीर में, आपकी बाट पे, हर जगह पे आपकी चिपक जाती है, वो ड्राई आउट हो जाते हैं, आप उसे वॉश नहीं करते हो, इसी वजह से वो इन्फेक्शन बिल्डअप होता है आपकी जो उसके वहाँ उस एरिया की जितने भी पोर्स है वो सारे क्लॉग हो जाते हैं और इसी वजह से आपको एक्ने की इश्यूज होते हैं। ओके, यू ऑलवेज नो कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? सो इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंट करने के लिए एक बेसिक रूल है, दैट इज़ जब भी आप जिम करते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो या फिर कुछ ऐसा काम करते हो जिससे आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत जाना है अपने बाथरूम पे भाग के और आपको लेना है एक शावर, ताकि आपकी जितनी भी गंदगी है वो सारे के सारे निकल जाए, ठीक है? हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस बट एक्ने? यस, दिस इज़ पॉसिबल कि आप इसे क्योर कर सकते हो, एब्सोल्युटली पॉसिबल। सो जैसे कि आपकी फेस पर जितने भी एक्ने हैं उसके जो भी स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल भी ऐसे ही स्टेप्स आपकी बट एक्ने के लिए भी है। नंबर वन स्टेप इज़ क्लिनजिंग, नंबर टू इज़ एक्सफोलिएटिंग, नंबर थ्री इज़ मास्किंग, एंड नंबर फोर इज़ डेफिनेटली मॉइस्चराइजिंग। सो लेट्स मूव ऑन द स्टेप क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के लिए आई विल सजेस्ट यू सम फेस वॉशेस। यस, फेस वॉशेस जो कि आप अपने बट के लिए यूज़ कर सकते हो, उसे क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नीम बेस्ड फेस वॉश, देन टी ट्री, ग्रीन टी बेस्ड, ऐसी जो फेस वॉशेस आती है वो बहुत ही ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ में होती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको कुछ साइड में फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी एंड नीचे लिंक भी दे दूँगी, इनकेस आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज़ आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश अपने लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हो, जैसे कि सिप्ला की सैसिलिक DS फेस वॉश है, जिसमें जो कि बहुत ही अच्छा है एक्ने के लिए, तो आप उसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। देन प्लम गुडनेस की ग्रीन टी जो फेस वॉश है, वो भी उसमें भी सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड है, मतलब कि केमिकल एक्सफोलिएटर है उसमें, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सफोलिएटिंग प्रोसेस। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही क्विक एंड ईजी DIY शेयर करूँगी। सो टेक 1 tablespoon ऑफ रेड लेंटिल पाउडर, यानी कि मसूर की दाल की पाउडर, एंड ऐड 1 tablespoon ऑफ राइस फ्लावर, ऐड 1 tablespoon ऑफ हनी, मिक्स देम वेल, मिक्स अ बिट ऑफ वाटर एंड मिक्स देम वेल, एंड देन स्क्रब योर अफेक्टेड एरिया। आपको एक्सफोलिएटिंग वीक में 2 बार करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। मास्किंग भी आपको वीक में 2 से 3 बार कर सकते हो आप, मैक्सिमम 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं, 3 times इन अ वीक। ओके, तो मास्किंग के लिए भी मैं एक बहुत ही इजी एंड क्विक DIY आपसे शेयर करूंगी।
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मास्क यू हैव टू टेक 1 टेबल स्पून ऑफ ओटमील पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ सैंडलवुड पाउडर एंड 1 टेबल स्पून ऑफ नीम एंड तुलसी पाउडर. यू कैन स्कीप इफ यू डू नॉट हैव एनी पाउडर. देन मिक्स देम वेल विथ द वाटर एंड अप्लाई इट फॉर 10 to 15 मिनट्स ऑन द एफेक्टेड एरिया. देन वॉश विथ नॉर्मल वाटर. जो पॉइंट है दैट इज मॉइस्चराइजिंग. तो मॉइस्चराइजर के लिए आई विल ऑलवेज 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 सजेस्ट यू एलोवेरा जेल. येस, दैट ओल्ड एलोवेरा जेल. उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए. तो आप वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो. आप कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो. आप जिस भी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, या फिर खादी ऑर्गेनिक का हो सकता है, या फिर जैसे कि अर्बन बोटानिक्स का भी हो सकता है. आप ट्रांसपेरेंट वाला जेल ही यूज़ करना. ओके, सो आई रियली होप कि आपको वीडियो से हेल्पफुल मिला है. इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप डेफिनेटली आपको बट एक्ने के इश्यूज़ नहीं होगा. एंड कैसे प्रिवेंट करना है वो भी मैंने शेयर कर दिया है वीडियो में. तो इन सारे पॉइंट्स को कीप इन योर माइंड एंड नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.